21 मई 1991 जब हुई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। ये वो दिन है जो भुलाए नहीं भूलते। जब एक रैली के दौरान एक मानव बम से की गई थी उनकी नृशंस हत्या। जब राजीव गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी हुआ एक विश्व का दिल दहला देने वाला विस्फोट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इसे ही आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम की महिला सदस्य जो अपने कपड़ों के भीतर विस्फोटक छिपा कर ले गई थी उसने ही राजीव गांधी का पैर छूने के बहाने विस्फोट कर दिया था। अचानक तेज धमाके से धुएं का काला गुब्बारा उठा। धुआं हटता तब तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत वहां मौजूद लोगों के चिथड़े उड़ चुके थे। भारी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए थे जिसके लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। राजीव गांधी ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा को विस्तारित करने का प्रयास किया था। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया था। देश में कंप्यूटर के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया था। सुपर कंप्यूटर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था। राजीव गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का भी प्रयास किया था। लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए थे। उन्होंने कई कॉरपोरेट कंपनियों को उद्योग बढ़ाने के लिए सब्सिडी दिलाई थी। राजीव गांधी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पेरारिवलन, रविचंद्रन, नलिनी, संथन, मरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस थे, जिसमें से संथन की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया है। सभी दोषी खुद को समय से पहले रिहा करने की मांग को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने भी इन्हें समय से पूर्व रिहा करने के लिए गवर्नर से सिफारिश की थी। हालांकि गवर्नर ने इस सिफारिश को मानने से इनकार करते हुए राष्ट्रपति को फाइल भेज दी थी। राजीव गांधी हत्याकांड में जब नलिनी को गिरफ्तार किया गया था तब वो गर्भवती थी। नलिनी को पहले 3 अन्य दोषियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। सोनिया गांधी की अपील के बाद नलिनी की सजा को घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। इस पर सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे दी जा सकती है जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं। राजीव गांधी की असमय मौत से देश को जो क्षति हुई है उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। तमाम देशवासियों के साथ लल्लूराम.com भी करता है स्वर्गीय राजीव गांधी को शत शत नमन।